Assalamualaikum students. Today we will study science workbook class 3, page number 41. First of all we have question, label the life cycle of a plant. हमें यहाँ पे different diagrams show की गई हैं और नीचे hints दिए हुए हैं. हमने इन्हीं hints को follow करते हुए इन boxes को fill करना है, label करना है इन diagrams को. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, एक सीड बना हुआ है, उसके ऊपर लीव्स निकले हुए हैं. तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीड विद लीव्स. नेक्स्ट देखें, एक ट्री बना हुआ है छोटा सा, तो आप लिखेंगे स्मॉल ट्री. नेक्स्ट देखें, जस्ट हमारे पास एक सीड है, तो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे सीड. यहाँ पे देखें लीव्स दिखाई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो इन्हें आप लिखेंगे सीडलिंग. फिर देखें, एक बड़ा सारा ट्री दिखाया गया है, उसके ऊपर फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे मैच्योर ट्री विद फ्रूट विच कंटेन सीड्स. नेक्स्ट देखें, सीड है, उसके ऊपर ही एक लीव्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ग्रोइंग प्लांट. ठीक है, ये सारे हमने फिल कर लिए. उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन आंसर्स हैं. व्हाट डज़ अ सीड नीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट. ये आप सबको पता है कि एक प्लांट अगर ग्रो करना हो तो हम सीड तो ज़मीन में जो है वो डाल देते हैं उसे उगाने के लिए, तो हमें क्या क्या देना पड़ता है उसे. हमें यानी एयर होनी चाहिए वहाँ पे, सनलाइट होनी चाहिए एंड वाटर. तो आप इसका आंसर राइट करेंगे ऑल सीड्स नीड वाटर एयर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर पीस. मटर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं वेजिटेबल्स. पीस आर द सीड्स दैट ग्रो इन पॉड्स अबव द ग्राउंड. यानी हमारे पास पीस जो होते हैं, आपने देखा होगा एक फुली कवर्ड होते हैं, वो उसके अंदर दाने होते हैं, उसके जैसे फलियाँ होती हैं, तो पीस भी इसी तरह से होता है. दे ग्रो इन पॉड्स अबव द ग्राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड. यानी ज़मीन के अंदर ही जो पूरे हमारे पास उगते हैं स्टेम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं. सम प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड पार्ट्स, या आप स्टेम्स लिखेंगे कॉल्ड बल्ब्स, उन्हें हम बल्ब्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अनियन, अनियन इसकी एक एग्ज़ाम्पल है. ये आपने राइट कर लेना है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. हमें यहाँ पे एक टेबल शो किया गया है और हेडिंग्स दी हुई हैं, तो हमने उनकी एग्ज़ाम्पल्स लिखनी है. ये आपकी बुक में भी होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पार्ट्स मैं आपको सारे करवाऊँगी, तो आपने बुक में जो इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको भी आपने फिल कर लेना है. ठीक है, तो सबसे पहले है लीफ बर्ड्स, तो इसकी एग्जांपल्स हैं कैबेज, लेटिस. नेक्स्ट इज़ लीव्स, तो इसमें आप राइट करेंगे स्पिनच, मस्टर्ड. स्टेम्स में राइट करेंगे सेलरी, शुगर केन. दो दो एग्जांपल्स हैं. ठीक है, रूट्स में आप राइट करेंगे कैरेट्स, रेडिश. फ्लावर बर्ड्स में आप राइट करेंगे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. ट्यूबर्स में आप राइट करेंगे पोटैटोस, जिंजर. सीड्स में आप राइट करेंगे ब्रॉड बीन्स एंड पीस. बल्ब्स में आप राइट करेंगे अनियन. फ्रूट दैट आर वेजिटेबल्स, टोमेटो इज़ अ फ्रूट लेकिन हम उसे वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, इसी तरह चिली भी है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ सीडलिंग्स. सीडलिंग्स में आप राइट करेंगे मस्टर्ड एंड स्ट्रेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थिंक अबाउट इट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर प्लांटिंग. जब भी हमने प्लांटिंग करनी होती है तो सबसे पहले सॉइल जो है उसको तैयार किया जाता है प्लांटिंग के लिए, तभी वहाँ पर कोई चीज़ उगती है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है. नंबर वन स्टेप इज़ टेस्ट द सॉइल. सेकंड स्टेप इज़ ऐड कंपोजिट. नेक्स्ट इज़ एडजस्ट पीएच एंड द लास्ट वन इज़ अमेंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, यानी ये सारे काम करने होते हैं. सबसे पहले देखना होता है कि सॉइल ठीक है, अगर नहीं ठीक तो वो वाली मिट्टी डाली जाती है, उसके बाद उसके अंदर खाद वगैरह डाली जाती है, उसकी पीएच को एडजस्ट किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है मिट्टी की कि उसमें बाकी कुछ कचरा वगैरह तो नहीं है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स वगैरह वही सारे कुछ उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि ज़रखेज़ ज़मीन बनाया जा सके प्लांटिंग के लिए. ठीक है,
नेक्स्ट इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स यू विल यूज़। तो इन सब कामों के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं गार्डनिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए। तो सबसे पहले है हो। हो बेसिकली क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में जो आपने देखी होगी जिसे हम कस्सी कहते हैं, वो चाहिए होती है। इसके अलावा फोक, जैसे आप स्पून और फोक होते हैं छोटे, इसी तरह से बड़ा एक हमारे पास होता है गार्डनिंग के लिए भी, ठीक है, वो भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्पेड होता है, इसके अलावा रेक होता है। ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जो कि हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 45। फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट। आपको लिस्ट शो की हुई है, आपने जो ओड वन है उसको सर्कल करना है, ठीक है। जिंजर पोटैटो अनियन स्वीट पोटैटोज। तो आपके पास जिंजर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन अनियन जो है वो बल्ब है, ठीक है। तो अनियन को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट में देखें चेरी पीच ऑरेंज एंड मैंगो। मैंगो को सर्कल करेंगे। मैंगो को हमने क्यों किया है, क्योंकि मैंगो जो है वो मीठा होता है, बाकी सारे फ्रूट्स जो दिए गए हैं वो थोड़े तुर्श होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ रॉक वाटर सनलाइट एंड एयर। तो वाटर सनलाइट एंड एयर चाहिए होती है, रॉक नहीं चाहिए होती है, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसको आप सर्कल करेंगे। उसके बाद देखें कैरेट। कैरेट जो है टर्निप रेडिश ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर जो है ये एक सेपरेट है, ठीक है। तो इसको आप सर्कल करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पे देखें लेटस टर्निप टोमेटो एंड पोटैटो। तो टोमेटो जो है वो एक हमारे पास फ्रूट है, तो इसको आप सर्कल कर देंगे, ये ओड वन है। नेक्स्ट आर द फिल इन द ब्लैंक्स। क्लूज हमें दिए गए हैं, तो हमने गेस करना है कि यहाँ पे कौन सी वेजिटेबल आएगी या कौन सा प्लांट आएगा या इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ आई एम अ वेजिटेबल, गार्डनर्स कॉल मी अ लीफ बर्ड, आई एम यूजुअली ईटन रॉ नॉट कुक्ड। तो कौन सी वेजिटेबल है जिसे हम ऐसे ही खा लेते हैं, वो एक लीफ बर्ड होती है, यानी सारे उसके अंदर लीव्स होते हैं और रॉ फॉर्म में ऐसे कट करके खा ली जाती है, एज अ सैलिड हम उसे यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे आई एम अ कैबेज, लेटस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आई एम अ ग्रीन वेजिटेबल, रियली आई एम अ फ्रूट, कुक्स पुट मी इन अ करी टू मेक इट हॉट हॉट एंड हॉट। जी, फ्रूट हमने पढ़े हैं, एक टोमेटो फ्रूट होता है और एक चिली, तो हॉट 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 बनाने के लिए करी के अंदर हम ग्रीन वेजिटेबल है, तो टोमेटो तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा चिली, ठीक है। आई एम सो स्मॉल, नेक्स्ट वन इज़ आई एम सो स्मॉल यू कॉन्ट सी मी, आई हेल्प अ लीफ टू ब्रीथ, आई एम होली, आई एम डैश। तो आपने ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ब्रीथिंग में कौन सा पार्ट है जो कि हेल्प करता है प्लांट्स की ब्रीथिंग में, और वो इस तरह से होल सा होता है, ठीक है, वो खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। तो इसका आंसर है स्टोमेटा, ठीक है। तो आपकी ये अब वर्कबुक हो गई है कंप्लीट, अब हम रिवीजन साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। ये सारा काम आपने बुक की एक्सरसाइज पे भी देख लेना है, जो वहाँ पे होगा वो आपने सारे फिल कर लेने हैं वहीं एक्सरसाइज से, ठीक है, और इनको आपने लर्न भी करना है और यहाँ वर्कबुक पे भी आपने राइट कर लेना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।